हेलो दोस्तों, क्या हाल सबके। तो आज हम कहाँ पे हैं? आज हम आए हैं जीरकपुर के अंदर, जो नेक्सा की एक डीलरशिप रहने वाली है आपको। और यहाँ पे ना बेस्ट रेट आपको मिलते हैं इंडिया के अंदर, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो। आज हम आपको कौन सी कार दिखाने वाले हैं, ये कि ऐसी कार रहने वाली है जिसने ना मार्केट हिला रखी है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये देखने को मिलती है ना, शायद ही कोई और कार आपको मिले देखने को। ऐसे फीचर्स और इतना स्पेस आपको मिलता है ना कार के अंदर, आप देख के ना मजा आ जाए आपको। तो वीडियो को ना आखिर तक देखना, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी मिले इस वीडियो में। और हाँ, अगर किसी को भी कोई भी नेक्सा की कार चाहिए तो प्लीज ना आप इनका फोन करें, इनके नंबर आपको मिलने वाले हैं वीडियो के नीचे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम ना कार की फर्स्ट रो में भी बैठे हैं। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, फिर आउटर साइड हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट रो में आपको यहाँ पे क्या मिलता है देखने को, तो उसके बारे में बात करेंगे आज हम आपको बताने वाले हैं। और प्राइस कार का, फीचर्स आपको गजब के मिलते हैं कार के अंदर। तो जो डैशबोर्ड है ना कार का, आपको ना एक मिनी ग्रैंड विटारा आप इस कार को बोल सकते हो। कि जो कार पे जो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कार की, तो कुछ ऐसी आपको कार की मिलने वाली है जहाँ पे आपको लॉक के अनलॉक के और सेंटर लॉकिंग आपको मिलती है कार के अंदर। अब आपको चेक कराते हैं जो कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये आपको दिखाते हैं। तो ये आप चेक करना कैसा आपको मिलता है देखने को। तो यहाँ पे आपको स्पीड मीटर और आरपीएम मीटर आपको मिलेंगे, और सेंटर में आपको मिलने वाली एक डिस्प्ले जहाँ पे आपको कार के सारे इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखने वाले हो फ्यूल का, टेम्परेचर का, बैटरी का, और भी कार अपनी कार भी देखो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ये भी आपको इंडिकेट करने वाली है अपनी कार का फ्यूल लो है तो आप इसको प्लीज फुल करें। तो ऐसी मजेदार चीजें आपको मिलती है कार के अंदर, और देख के ना मजा आ जाएगा आपको। तो इन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, इसकी तरफ आए तो यहाँ पे आप चेक करने वाले, जैसे कि यहाँ पे फ्यूल का, बैटरी का, टेम्परेचर का और हैंड ब्रेक का, ये है आरपीएम मीटर आपको मिलता है। 8000 आरपीएम मीटर आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। और इसके सेंटर में आपको मिले एक डिस्प्ले जहाँ पे आपको कार के सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, जैसे कि अभी कार ये न्यूट्रल के अंदर है। और ये कार आपको मिलती है ऑटोमेटिक के अंदर, डेल्टा प्लस मॉडल है ये। डेल्टा प्लस में आपको मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैनुअल भी आप ड्राइव कर सकते हो प्लस और माइनस करके। 2 कप होल्डर आपको मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बेस मॉडल से ही आपको मिलते हैं कार के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, जो कि आपको एक प्लस पॉइंट है कार का, किसी और कार के अंदर आपको नहीं मिलेगा बेस मॉडल से। और जो प्राइस पॉइंट है कार का, आप सुन के शौक हो जाओगे ऐसा प्राइस पॉइंट आपको मिलता है कार का, उसके लिए आपको तो इनका फोन करना पड़ेगा एक बार। प्लीज अपना फोन करें कि बेस मॉडल आपको कहाँ से होता स्टार्ट और यहाँ पे ऑन रोड आपको कितने का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, जो बटन की क्वालिटी आपको टॉप लेवल आपको देखने को मिलती है, और ये बेस से स्टार्ट है, आप प्लीज ये नोटिस करना। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल आपको मिलते हैं। अगर म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 7 इंच की आपको मिलने वाली डिस्प्ले म्यूजिक की, और 4 स्पीकर के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला ऑप्शन। 2 एयरबैग, डिस्क प्लस ड्रम के साथ आपको मिल जाएगी कार। ABS प्लस EBD आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है कार के अंदर। डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी देखने को, और ग्रैंड विटारा की तरह आपको जो कार का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलने वाला है। डोर्स पे आपको यहाँ पे 4 पावर विंडो मिलने वाली है। ड्राइवर साइड आपको मिल जाएगी ऑटो, साइड की मिरर कंट्रोल, लॉक अनलॉक के ऑप्शन, और यहाँ पे आपको मिलता है फैब्रिक। ये है कार का बेस मॉडल से होता है स्टार्ट, जो कार के डोर्स पे आपको फैब्रिक मिलता है, ताकि आप एक जो कार एक लग्जरी फील होए। बोट होल्डर आपको मिलते हैं कार के अंदर ऑटोमेटिक, जैसे ये अभी मैंने आपको बताया कि ये कार आपको मिलती है। हैंड ब्रेक आपको मिल जाएगा, और ये है कार के रूफ लैंप जो कि आपको मिल जाएंगे येलो बल्ब के अंदर। और मेरी हाइट ना 6.2 है, और उसके हिसाब से अपना मेरा हेडरूम चेक करो कितना मेरे को हाई अमाउंट में हेडरूम मिलता है। शोल्डर रूम भी परफेक्ट है कार का, और मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट है कार, जैसे कि मेरी हाइट 6.2 है तो मैंने ना उसके हिसाब से सेट की है। आप स्पेस भी काफ़ी अच्छा है मेरे को, और जो मेन इशू आता है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपकी है तो अपने को ना हेडरूम का इशू आता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो हेडरूम है ना वो बिल्कुल ही परफेक्ट मिलता है कार के अंदर। तो सबसे पहले तो आप जो मेरा लेग रूम है वो चेक कर सकते हो कितना मेरे को लेग रूम मिल रहा है, और शोल्डर रूम भी परफेक्ट है कार का। यहाँ भी आपको डोर्स पे फैब्रिक मिलने वाला है, ये कार का बेस मॉडल से स्टार्ट है, प्लीज़ आप नोटिस करना ये। और ये आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं बेस मॉडल में। हमने ना इसकी ना प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है बेस मॉडल की, प्लीज़ आप ना जाके जरूर आप वो चेक करना। रूफ के ऊपर आपको मिल जाएंगे रूफ लैम्प येलो बल्ब के अंदर, और हाँ 3 हेडरेस्ट और आपको मिलते हैं। 60-40 स्प्लिट आपको मिलता है सीट ऑप्शन कार की सेकेंड रो में, और 3 हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग का स्लॉट। और मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ना हेडरूम भी काफ़ी गजब का मिल रहा है, मतलब कि
तीन बंदे तो आप आराम से बैठ के जा सकते हो लॉन्ग ट्रिप पे, शॉर्ट ट्रिप पे आप अपनी फैमिली के साथ। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अब आपको ना अगर बैक लुक चेक करा तो वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है देखने को, तो सबसे पहले तो ना कार की बैक लुक चेक करो। देखो LED टेलैम्प आपको मिलने वाली कार के अंदर, जो कि बहुत ही प्यारी लगने वाली है। देखो LED टर्न इंडिकेटर आपको मिलने वाले हैं बैक, और सेफ्टी को और इंक्रीज कर रही है जो कार, वो क्या है कि आपको मिलते हैं बैक साइड से पार्किंग सेंसर भी आपको देखने को मिलते हैं, और डिफॉगर मिल जाएगा जो कि फोग सिस्टम में आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट है। हाई माउस टॉप लैंप आपको मिलने वाला है, यहाँ पे मारुति कंपनी का लोगो, नेक्सा की ब्रांडिंग, और यहाँ पे फोंग्स की आपको मिलने वाली ब्रांडिंग को, जो रूफ रेल आपको मिल जाएगी ब्लैक कलर के अंदर, जो मैट के अंदर आपको मिलने वाली है। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा कार के अंदर, और कुछ ऐसे आपको मिलेंगे टायर्स विद अलॉय्स आपको ब्लैक कलर के मिलने वाले हैं, अलॉय्स जो इंग्लोस ब्लैक के अंदर आपको मिल जाएंगे। 195/60R15 इंच आपको मिलने वाला टायर, डिस्क प्लस ड्रम के साथ आपको मिल जाएगी कार, EBS प्लस EBD, 2 एयरबैग आपको मिलने वाले कार के अंदर। बॉडी कलर आपको मिल जाएंगे डोर हैंडल्स, साइड के मिरर के ऊपर आपको मिलने वाले यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर मिलने वाले हैं। इनको मैं एक बार दोबारा आपको दिखाता हूँ ब्लिंक करके, फ्रंट प्रोफाइल में आए तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं ये कार के हैं हेडलैम्प, और गजब के आपको मिलने वाले हैं इनकी जो ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो गजब के आपको मिलने वाले हैं। हमने कस्टमर का फीडबैक लिया था कुछ दिन पहले, और उन्होंने काफ़ी प्लस पॉइंट बताए इस कार के, मतलब कि नेगेटिव तो थे नहीं कार के अंदर जो उनको लगे। अगर आपके पास ये फ्रॉन्क्स हैं तो प्लीज़ आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको जो कार के जो प्लस पॉइंट और नेगेटिव साइड आपको वो क्या लगती है। इधर ही आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर, और ये आपको जो कार के DRs हैं इनका ये काम करने वाले हैं जो आपके आप ये ऊपर देखने वाले हैं। टोइंग हुक आपको मिल जाएगा, और जो कार की ग्रिल लेना ये आपको मिलती है मैट फिनिशिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपके यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया, सेंटर में आपके यहाँ पे मिलने वाला मारुति कंपनी का लोगो, जो फ्रंट का लोअर पार्ट है ये आपको मिलता है 2-टोन के अंदर, मतलब एक तो आपको मिलता है मैट के अंदर, और इसके नीचे आपको मिलती है सिल्वर कलर की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इधर आपको मिलते हैं कार के वाइपर्स, और बोनेट के ऊपर भी आपको मिलते हैं कट्स, एरोडायनामिक शेप जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मिलती है कार की, और इंजन ऑप्शन आपको कैसा मिलता है कार के अंदर मैंने ना फ़ोन में नोट डाउन किया है, मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर दो ना आप वो, और नॉर्मल आपको जो पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है आज हम आपको दिखाने वाले हैं डेल्टा प्लस ऑटोमेटिक का नॉर्मल वाला इंजन, जो कि ट्रिबो नहीं है नॉर्मल वाला है। तो यहाँ पे आपको 1.2 cc आपको मिलता है इंजन, मतलब कि 1200 cc का आपको मिल जाएगा इंजन, जहाँ पे आपको 88.50 bhp आपको मिलती है पावर, 113 Nm आपको मिल जाएगा टॉर्क, 4 सिलेंडर आपको ये कार हो देखने को मिलने वाली है। अगर किसी को भी कोई भी नेक्सा कंपनी के बारे में कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ ना अपने इनको फ़ोन करें, इनके नंबर आपको मिलने वाले हैं वीडियो के नीचे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, और इंस्टाग्राम प्लीज़ आप मेरे फॉलो करना ना भूलें, ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से अगले करने वीडियो, ठीक है, बाय बाय।